हमारे ज्ञापन देके इनके हमारे ज्ञापनों से इनके घरों को भर दिया, लेकिन राजस्थान की सरकार के दानों पे नहीं रहेंगी। जिनको सामंतशाही शासन का एहसास होता है और जिनकी परवरिश जिनकी पैदाइश राजघरानों में होती है, उनको लोकतंत्र का मतलब पता नहीं होता। मैं बता देना चाहता हूँ उस लोकतंत्र उस सामंतशाही शासन सरकार को कि आदरणीय जब हमने जयपुर के अंदर हमारी रैली निकाल के अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, और उस शक्ति प्रदर्शन के आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये लोकतंत्र नहीं होता और हम बापू इस लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, और अगर ये राजतंत्र होता तो बापू अपने अधिकारों और अपनी स्वाभिमान की लड़ाई में तलवारों से अपना स्वाभिमान लिख देता। लेकिन बात जो लोकतंत्र की है तो हम उस लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और उस लोकतंत्र के सम्मान के लिए हम यहाँ पे महापड़ाव में पड़े हुए हैं। साथियों, प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा संख्या बल को लेके बोलने के लिए मना किया है, हम उनकी बात का सम्मान करते हैं, पर बता देना चाहता हूँ कि कुछ सुझाव जो भी है वो हम आपको देना चाहते हैं। 33 जिला अध्यक्ष अपने प्रत्येक ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग बुलाए और यहाँ पे संख्या बल सुनिश्चित करें और इसकी प्रत्येक जिला अध्यक्ष की संख्या का पता प्रदेश अध्यक्ष को आना चाहिए। अगर 2 तारीख को अगर हमारे साथी ने अपनी शिखा पे हाथ रख के बोला है कि 2 तारीख को फैसला होगा, तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही कहा है कि पांडाल भरने से होगा और ये पांडाल जिला अध्यक्षों द्वारा भरा जाएगा। 8/9/2018 की मीटिंग के अंदर जब प्रदेश समिति ने आह्वान किया था तो 33 जिला अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष को कहा था कि महापड़ाव डाला जाए और उन सबकी सहमति पे प्रदेश अध्यक्ष ने महापड़ाव डाला है। तो संख्या बल की सुनिश्चित करना आपका काम है महोदय। अगर जिला अध्यक्ष साहिबान अपनी जिम्मेदारियों को समझ लें और अपने आदरणीय महोदय, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का शुक्र गुजार हूँ, इन्होंने अब से 2 दिन पहले एक बच्चे का उद्बोधन इस मंच पे करवाया था। उस बच्चे ने ये कहा था कि मेरे पिता की सैलरी इतनी कम है कि अगर मैं एक पैंट शर्ट उनसे मांगता हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि बेटा जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं तुझे पैंट शर्ट दिलाऊंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, ऐसी तो स्थिति हमारे बहुत से बाबुओं के साथ है। मालपुरा ब्लॉक के अंदर अरविंद जी पारी के एक बाबू है और वो UDC रैंक के बाबू है, उनकी एक बेटी को वो BBA करवा रहे हैं और दूसरी बेटी की 90% 12th में पढ़ी है। जब उस बच्ची ने अपने पिता से कहा कि मैं नेट की तैयारी करना चाहती हूँ, तो उस पिता के पैरों के नीचे की जमीन सड़क गई क्योंकि उस पिता के पास पैसे नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, पिता का दिल बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने जो भी करना था वो उन्होंने किया, चाहे से वो कर्जा लिया हो या अपने बाबू भाइयों से उन्होंने सहयोग लिया हो, वो अपनी बच्ची को नीट की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन यहाँ से बाबू एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि बाबू बाबू भाई भाई, तो वो जो बच्चा यहाँ से उद्बोधन दे रहा था और जिसने ये कहा था कि मेरे पिताजी की सैलरी कम है और वो पैंट शर्ट नहीं दिला सकते हैं, तो वो भाई भाई अगर हम हैं तो वो बच्चा हमारा भतीजा है और उस भतीजे की जिम्मेदारी उसके बच्चों उनके बच्चों की जिम्मेदारी और हमारे सभी बच्चों की जिम्मेदारी यहाँ पर उपस्थित 70,000 भाइयों की होनी चाहिए। प्रदेशाध्यक्ष जी, आपने 1 तारीख को आमरण अनशन का आह्वान किया है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ से ये जितने भी खाना वाले हैं, चाय वाले और पानी वाले हैं, इनको हटा दो और यहाँ पे जनाज लगा दी जावे, पांडाल भर दिया जावे और यहाँ पे संपूर्ण बाबू आमरण अनशन के लिए बैठेगा। मैं युवा शक्ति का आह्वान करता हूँ और कहता हूँ कि इन बुजुर्गों ने तो अपनी लड़ाई बहुत लड़ी है। साथियों, ये जो मेन लड़ाई है वो हमारी है, आप सभी है, तो ये युवा शक्ति जाग जाए और प्रदेश अध्यक्ष को कह दे कि इस आमरण अनशन में सबसे बाद में अगर कोई उठेगा तो वो ये युवा उठेगा। और प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मेघना सिंह चौधरी जाति जाट और गोत्र पछेरा आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस आमरण अनशन के अंदर अन्य चर्चा त्याग करके बैठूंगा। सरकार रेशमा लगा देती है तो लगा दे, मुझे आमरण अनशन से कोई तब तक नहीं उठा सकता जब तक 3600 ग्रेड पे का देश यहाँ पर राजस्थान सरकार
इलेक्शन की घोषणा अगर आपने कर दी है ना तो पीछे मत उठना। वो 2 तारीख को चौमन शाही शासक उस जगह पे आएगा उद्घाटन करने के लिए और पांडाल क्या भरा रहेगा और ये पूरा बाग करता के आमरण अनशन के लिए होगा। अध्यक्ष अध्यक्ष जी, जब लोहा गर्म होता है ना तो हथौड़ा भी तभी मारा जाता है, तो मार तो हथौड़ा।